रोहतास जिले के डेहरी में फर्जी ई पास बनाने वाले गिरोह का एसटीएम व एएसपी की टीम ने भंडाफोड़ किया है और इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ई चालान बनाने में जिले के पूर्व डीएम का फर्जी हस्ताक्षर का इस्तेमाल किया जाता था। डेहरी के एसटीएम सुनील कुमार ने बताया कि उन्हें अपने सूत्रों से जानकारी मिली, इलाके में कुछ लोग फर्जी तरीके से डीएम, एसटीएम व इंसिडेंट कमांडेंट का हस्ताक्षर युक्त फर्जी पास निर्गत कर अवैध धंधा कर रहे हैं। इस सूचना पर एसटीएम ने सिविल ड्रेस में अपने बॉडीगार्ड को भेज खुद अपनी सरकारी गाड़ी का ही 2000 रुपए देकर धंधेबाजों से फर्जी पास बनवाया और जैसे ही ई पास उनके हाथ लगी तो उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया गया। आपको बताया गया कि इस रैकेट में शामिल सुभाष नगर से 2 लोग वो डेहरी के थाने चौक स्थित एक दुकान से 3 लोग को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उनके लैपटॉप को जब्त कर दुकान को भी सील कर दिया गया है। गिरफ्तार धंधेबाजों में सुभाष नगर का दीपक कुमार, विनोद कुमार व डेहरी बाजार का हिमांशु कुमार, अभिषेक कुमार व विष्णु गुप्ता शामिल है। आपको बता दें कि धंधेबाज ई पास बनाने में पूर्व में रोहतास के डीएम रह चुके पंकज दीक्षित सहित इंसिडेंट कमांडेंट सहित डेहरी के स्ट्रीम के हस्ताक्षर का इस्तेमाल कर रहे थे। बीएनपी न्यूज के लिए रोहतास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। 2 दिन पूर्व पता चला कि इस तरह का रैकेट काम कर रहा है अपने शहर में। फेक साइन से इंसिडेंट कमांडर या जिलाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी के नाम पर ई पास निरस्त किया जा रहा है। उसी के आलोक में मेरे द्वारा अपने जो बॉडीगार्ड हैं और हाउस गार्ड हैं उनको पैसे देकर अपने सरकारी वाहन जो हमारा सुमो और स्कॉर्पियो गाड़ी है उसको भेजा गया कि आप जाकर पास बनवाइए। वो लोग सिविल ड्रेस में गए, बात किए और वो पैसे लेकर सुभाष नगर में दीपक नाम का जो आदमी था वो 500 रुपये में मेरे स्कॉर्पियो जो अभी सामने है उसके नंबर पर पास निर्गत किया और जहाँ आप खड़े हैं ये हिमांशु गुप्ता जो है 1500 रुपये में एक पास निर्गत किया है। तो हम लोग को जो ही जानकारी हो गई और दोनों पास मेरे हाथ में आ गए गार्ड के, तो अचानक दोनों लोग को रंगे हाथ दबोच लिया गया। उसी तरह सुभाष नगर में जब दीपक कुमार की गिरफ्तारी हुई तो पता चला कि जस्ट उनके सटे जो दुकानदार था विनोद कुमार नाम का वो भी एक गलत धंधा में शामिल था। तो हम लोग सुभाष नगर से 2 लैपटॉप जब्त कर लिए दोनों दुकानों का और 2 व्यक्ति की अरेस्टिंग हो गई। और जहाँ अभी थाना चौक पर हम लोग हिमांशु के साथ ही अभिषेक कुमार और विष्णु गुप्ता 2 अन्य उसके साथी हैं जो इस गिरोह में काम कर रहे थे उनकी गिरफ्तारी की गई है। साथ ही ये दुकान जो है सेपरेट है, इसको हम लोग लैपटॉप इसका जब्त करके इसको सील कर रहे हैं। और सुभाष नगर की दुकान जो थी वो घर जाने का मेन इंट्रेंस था, इसलिए उसका लैपटॉप जब्त करके उसको सील नहीं किया गया है और सभी को सुसंगत धाराओं के अंतर्गत FIR लॉज करके जेल भेजा गया। सर, इसमें रोहतास डीएम के भी हस्ताक्षर का इस्तेमाल किया गया था। अभी जो मेरे स्कॉर्पियो गाड़ी का जो पास निर्गत किया गया है उसमें हम देख रहे हैं कि जबकि डोंगल से होता है, पूर्व मेरे जिलाधिकारी जो पंकज दीक्षित सर हैं जो अभी ट्रांसफर होकर चले गए हैं उनके हस्ताक्षर से निर्गत किया गया है। और सुभाष नगर में जो निर्गत किया जा रहा था वो इंसिडेंट कमांडर डेहरी के नाम पर निर्गत किया जा रहा है। तो इस तरह का ये कोई पास ओरिजिनल पास निर्गत नहीं हो सकता है, ये तो जिलाधिकारी के लॉगिन से और SDM के लॉगिन से ही संभव है, लेकिन ये लोग अपना स्कैन करके फर्जी तरीके से कागज़ को तोड़ मरोड़ करके और कंप्यूटर के थोड़ा सा ज्ञान रखते हैं, ये गलत धंधा कर रहे हैं।